अस्सलाम वालेकुम वियर, सैफुल्ला इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर के पैनल से। बहरिया टाउन कराची के अंदर इस वक्त मार्केट का जो ट्रेंड है और जो प्राइसेस है, कस्टमर का जो इंटरेस्ट है, जो फ्लो है, जो ट्रांजैक्शंस हो रही है, उसके हवाले से बात करते हैं। छोटी ईद के बाद जो कि मई जून में ये ट्रेंड शुरू हुआ था लॉकडाउन के बाद, और ये ट्रेंड मुसलसल जो है इसमें ग्रोथ है, मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। आज 3 महीनों के बाद अगर हम सितंबर में बैठे तो बात करें तो आज ये सिचुएशन है कि रेंट की बात करें तो अपार्टमेंट्स और विलाज रेंट पे ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया। मतलब ये कि अगर मार्केट में एक दो विलाज या एक दो अपार्टमेंट फॉर रेंट पर्पज़ अवेलेबल है तो को 20 से 25 30 लोग जो है उसको डिमांड करने वाले हैं, टेनेंट्स हैं जो उसका देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा ट्रेंड है कि इस वक्त बहुत सारे लोग बहरिया टाउन कराची के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं। एक तो दूसरा कि कोई बंदा यहाँ पे प्रॉपर्टी को परचेज़ करना चाहता है, जो प्रॉपर्टी को परचेज़ करना चाहता है उसके दो तीन रीज़न हो सकते हैं। एक तो इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसने कभी शिफ्ट भी नहीं होना, दूसरा ये हो सकता है जिसका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है, तीसरा वो हो सकता है जिसका अभी डिसीजन नहीं है कि वो शिफ्ट होगा या नहीं होगा, और चौथा ऐसा भी हो सकता है जिसका शिफ्ट होने के लिए प्रॉपर्टी को परचेज़ करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बहरिया टाउन कराची के लिए और यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ की ग्रोथ के लिए बेहतर चीज़ है वो ये कि लोग आके यहाँ पे रहें और यहाँ पे आके इस बहरिया को आबाद करें। तो ये जो ट्रेंड मैंने अभी रेंट के हवाले से बताया, इसका मतलब ये कि लोग फौरन यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं और यहाँ के इस एनवायरनमेंट को इन्जॉय करना चाहते हैं। इसके पीछे मुहरकात जो अभी लेटेस्ट सामने आई है वो तो जो बारिश हुई है हालिया कराची के अंदर और उसकी वजह से क्राइसिस आए, एक तो उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और सेकंडली ये कि जैसे हमने बताया कि पिछले 3 से 4 महीनों से ये ट्रेंड चला हुआ है और इस वजह से ये सारा फ्लो है। और इसके साथ साथ हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जिन लोगों पे के यहाँ पे प्लॉट्स हैं, जिनके यहाँ पे ओपन लैंड है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन लोगों ने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी है, और कंस्ट्रक्शन का और उसके फेज़ में जाने का ड्राइंग अप्रूवल, उसके बाद स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और उसके बाद विला की कंप्लीशन और फिर शिफ्ट होने का, ये ट्रेंड भी आलमोस्ट इसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 महीनों का जो टेन्योर है इसने बहरिया टाउन कराची के अंदर एक तो इस चीज़ को प्रूव किया कि अब बहरिया टाउन स्टेबल है, ऑन ग्राउंड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्राइसिस भी काफ़ी रैपिडली बढ़ रही हैं, स्पेशली ये विलाज और अपार्टमेंट्स के हवाले से, और सेकेंडली ये कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस कंस्ट्रक्शन की वजह से वो एरियाज़ भी जो इवन मेन गेट से बहुत दूर भी हैं, जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा आबादी नहीं भी, वो एरिया भी अलाइव होने जा रहे हैं। इस ट्रेंड को देखते हैं और आने वाले 3 से 4 महीने मीन्स अगर हम दिसंबर तक की बात करते हैं, दिसंबर 2020 में, तो यूँ लगता है कि बहरिया टाउन के अंदर आज जो प्राइसेस हैं इसमें कोई 15 से 20% मजीद इंक्रीमेंट आने के चांसेस हैं। जो बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ हैं, विलाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनमें ऑलरेडी इन 3 महीनों में कोई अराउंड 20% तक का इंक्रीमेंट आ चुका है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिमांड है परचेज़ के हवाले से वो विलाज की है, उसके बाद अपार्टमेंट्स की है। विलाज में अगर बात करें तो प्रीसेंट 10A, प्रीसेंट 11, प्रीसेंट 2, इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट चल रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, इनकी प्राइसेस काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं। फिर इसी तरह 27, 31 स्पोर्ट सिटी विलाज, प्रीसेंट 35, वहाँ भी अच्छी खासी डिमांड है और काफ़ी प्राइसेस में इंक्रीमेंट आ गया। सेम अपार्टमेंट्स में भी काफ़ी जो है डिमांड चल रही है, बट इसमें प्राइसेस का बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया, यहाँ पे 10 से 15% का इंक्रीमेंट आया। मैं समझता हूँ कि उन लोगों का जिनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी, पिछले 2 साल से 3 साल से वेट कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए एक बहुत खुशखबरी है, एक अच्छा टाइम आ गया। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बहरिया टाउन के ऊपर भी काफ़ी क्राइसिस रहे, अभी भी काफ़ी चल रहे हैं खैर, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है। जिनकी इन्वेस्टमेंट थी उनके लिए आज रिवार्ड का टाइम आ गया, और मज़ीद 2, 3, 4 महीने, 5 महीने होल्ड करेंगे तो मेरा ख्याल से जो 2 साल पहले यहाँ पे प्राइसेस थी, रेट्स थी, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले 2-3 महीनों में उस रेट से सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, जो अभी ऑन ग्राउंड नहीं है या जो मतलब कि जिन पे ऊपर अभी काम हो रहा है उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली उनमें भी ग्रोथ आ रही। बहरिया टाउन कराची के अंदर आने वाले नए ट्रेंड्स, प्रॉपर्टी की प्राइसेस और अपडेट्स के हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन आए तो प्लीज़ आप इस्लाम स्टेट का चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू।